नंबर एक, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, 30 सेकंड, क्या तालिबान महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रही है, हाँ या नहीं? मुझे नहीं मालूम। इन्हें मालूम नहीं तो डिबेट में क्यों बुलाया है? एक सेकंड, बैठिए। मैं मानता हूँ आपका गुस्सा है रहमानी साहब की तरफ। एक सेकंड, अपना नाम बताइए और अपनी बात करिए। एक सेकंड, सर, भाई साहब, प्लीज बैठिए ना, मैडम। सबसे पहले ये मैं बताऊँ कि मैं एक अफगान मुस्लिम महिला हूँ। एक सेकंड, मुस्कान, मुझे कहने दे। इन्हें तो सुने। क्या मैं एक, आप बोलिए, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मैं एक अफगान लेडीज हूँ। सर, आप इस उनको बोलिए। मैं एक अफगान महिला हूँ जो 2012 से यहाँ आ रही हूँ और जा रही हूँ। कभी मैं नंगा नहीं घुमा फिरा, कभी मैं कोई गलत मुस्लिम वाले जो बगैर होते वो ऐसे काम नहीं की। कौन सा सूरा में, कौन सा आयत में, कौन सा कुरान के खून का हिस्से में ऐसे बुला दिया, बता दिया गया। प्लीज सुन लो, प्लीज। अब देखो इसका, देखो इसका हुलिया। नहीं, कौन सा कुरान में लिखा, कुरान के कौन सा हिस्से में लिखा हुआ है कि इंसान को जिंदा जलाओ, बकरे की तरह जबा करो? लिदीस को नहीं, आप शरिया का बात किया, आप शरिया का बात किया। मैंने कहा कि मैं रोमानी देखो नहीं करता, और आज भी अगर वो ये करेंगे तो उनकी मुखालफत है। आप एक मुस्लिम हो, मैं आपसे पूछती हूँ कौन सा सूरा कौन सा आयत में आया है वो प्लीज बोलो और तर्जुमा करो। आप प्योर मुस्लिम हो, आप भी। मैंने कहा क्या ये हंसने की जरूरत नहीं है, इनकी पीड़ा पे हंसने की आवश्यकता है? बिल्कुल। अब बैठिए, देखिए, मैंने एक ही सवाल पूछा था कि क्या तालिबान महिलाओं के साथ अत्याचार करती है। इन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम, हमारी जो बहनें अफगानिस्तान की है उन्होंने जवाब दिया। आप देखिए, मैं अभी दूसरा सवाल पूछूंगा रहमानी साहब से। रहमानी जी, भारत में क्या महिलाओं के ऊपर बीजेपी की सरकार अत्याचार करती है? अभी उछल के बोलेंगे हाँ करती है, मुझे पता है करती है, मगर तालिबान का इनको पता नहीं है। सुनिए, तो तालिबान ठीक कर रही है, गलत कर रही है? तालिबान ठीक कर रही है, गलत कर रही है? जो हमारे देश में जो चलन है, अच्छा, तालिबान ठीक कर रही है, गलत कर रही है? वो बिल्कुल आपका उनका, ठीक है, वो उनका तरीका है। अमित जी, इन्होंने एक बार भी तालिबान की मुजम्मत नहीं की, एक बार भी नहीं किया। अभी सबमित ने 2-3 सवाल पूछे, उन्होंने कहा कि तालिबान महिलाओं पर अत्याचार करता है कि नहीं करता है, और मेरी आंखों में वो 12 साल की 10 साल की लड़की बैठी है। उस 10 साल की लड़की को आज अधिकार नहीं है अफगानिस्तान में अगर होती कि वो अपने जिंदगी को बसर करे, जैसे करना है स्कूल जा सके। यहाँ बैठी है तो वो खुले आसमान में बैठी है, डिबेट में है, मास्क निकाल कर भी बात कर सकती है। मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ कि आप, क्योंकि वो एक इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं, आप उनकी तमाम बुराइयों पर पर्दा डाल देंगे? और दूसरा सवाल, मैं आज इस डिबेट में उस पर भी आ रहा हूँ। नसरुद्दीन शाह ने 2 बातें कही, उन्होंने कहा वैश्यों की वापसी हुई है, मतलब आज भी वो वैश्य है। तो आप मानते कि नहीं मानते, उस समय का बयान अच्छा लगता था, आज मानते कि नहीं मानते? सर, मेरी बात पूरी नहीं, सर प्लीज, मैं बैठ जाऊंगा डिबेट में नीचे। ऐसे नहीं, अमीश जी, ये तरीका नहीं है। मैं डिबेट में और भी चीख सकता हूँ, मैं खुद भी प्रेजेंटर रहा हूँ, मुझे चीखना नहीं है। पर अब उन्होंने दूसरी बात भी कही, उन्होंने कहा सदियों के वैशीपन के बयान से, जिस बयान पर ये डिफेंड करने आए थे नसीरुद्दीन शाह को, याद नहीं करने आया, इनकी बड़ी करती थी, मैं क्यों करूंगा? उन्होंने किया, आज वो इस बात को मानते कि नहीं मानते? हम ये बात बोले तो हमको इस्लामोफोबिया का टैग लगाते। ये लोग देखे हैं वैशीपन, उन्होंने देखा है भुगता, आज वो बोल रहे हैं। और मेरा एक ही सवाल है, ये कहते बार बार बातचीत की मान्यता दे दी। मैं इनके साथ बातचीत में हूं, मैंने इनको मान्यता दी क्या? मैं कभी इनको मान्यता नहीं दूंगा, पर इनको बात को गलत साबित करने के लिए मुझे इस मंच का इस्तेमाल करना होगा, यही चीज भारत की सरकार ने किया। ठीक है, शोएब जमाई, आप अपनी बात को रखिए, देन मैडम आपका सवाल, आपका सवाल शोएब जमाई से ही है। एक सवाल जल्दी। मेरे एक क्वेश्चन है मिस्टर रहमानी, जवाब देंगे। आपका बेटी, आपका बहन 10 साल 12 साल, आप रेडी हो अपनी बहन और बेटी को एक 60-70 ईयर्स जो गंदा आ रहा है कि गन के साथ, आप रेडी हो अपने बहन और बेटी को उनको देने के लिए, निकाह के लिए आप रेडी हो?